ये लो, क्या बताऊं पंडित जी, जब से बहू इस घर में आई है हमारी तो किस्मत पलट गई। ओ मैं सब समझ गया सेठानी जी, लेकिन ये रुपया कुछ कम है। क्या? मेरे कहने का मतलब ये था कि ज्यादा रुपये मिलने से मेरी समझ तेज हो जाएगी और आपका काम यूं। अच्छा अच्छा, ये लो। चंद्र की जन्म पत्री बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन स्त्री की जन्म पत्री विघन डालती है। क्या कहते हो पंडित जी? बहू का कदम घर में अच्छी घड़ी नहीं पड़ा, कष्ट और हानि का डर है। इसका कुछ उपाय पंडित जी? हाँ उपाय है, बहू को प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं प्रायश्चित करूंगी। आज ही 40 दिन लग जाएंगे। मैं तैयार हूँ। और वो अकेली रहेगी, यहाँ तक कि पति का मुंह भी देख ना सके। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है, ये अन्याय है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रूपा, 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 रूपा। अरे ये क्या लक्षण है तेरे? पंडित जी का अपमान करने का तुझे क्या हक था? सच कहा है लोगों ने, छोटे घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए। अरे मैं तुझसे कह रही हूँ, मुंह क्यों छुपाती है? हाँ? खबरदार जो मेरे घर में आंसू बहाए तो। माता जी, आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। हाँ हाँ, मेरे सामने बोल रही है। भगवान के बाद मेरी नजरों में उनकी जगह, वो मेरे देवता है, मैं उनके लिए महूस नहीं हो सकती। पंडित जी झूठ कह रहे थे, तेरी जन्म पत्री में गलत लिखा है। मेरा हर सांस उनके लिए दुआएं मांगता है। 40 दिन तो क्या, 40 साल सारी दुनिया का मुंह न देखूंगी, मगर उन्हें मुझसे न छीनी, वही तो एक मेरा सहारा है। बकवास बंद कर, इस घर की भलाई के लिए नहीं बल्कि तेरे पति के बेहतरी के लिए है, तुझे मानना ही पड़ेगा। उन्हें पूना से आ लेने दीजिए, अगर वो कहेंगे तो मैं ये भी कर लूंगी। वो कौन होता है कहने वाला? जैसे पंडित जी ने कहा है तुझे मानना पड़ेगा, और मैं 40 दिन तक तेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। माता जी, आपने आज तक जो कुछ कहा मैंने सहा, क्योंकि उनकी हल्की सी मुस्कुराहट मेरे सब दुख भुला देती है। मैं इस मुस्कुराहट से महरूम नहीं रह सकती। क्या भक्ति है? उनके सिवा मेरा इस घर में कोई नहीं, अगर वो भी मुझसे न मिल सके तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता रूपा, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया। रूपा, तुम्हारी आंख में आंसू? आंसू तो बहुत देर से उमड़ रहे थे भैया, मगर अब छुपाने की भी ताकत नहीं रही मुझ में। रूपा, मैंने तुम्हारी नसीहत पर बहुत देर अमल किया भैया। नौकरों से बुरी हालत थी मेरी ससुराल में, वो तुम्हें गालियां देते, मेरा खून खौलने लगता, मगर मैं चुप रही। मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे बाल नोचे, मैंने उफ तक न की। गुलाब को इस बेरहमी से पीटा, मैं खड़ी देखती रही, दिल में हजारों गम लेकर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी। लेकिन अब क्या बात हुई है? वो मुझसे मेरा पति छीन रहे हैं, मुझे कहते हैं मैं मनहूस हूँ, मुझे 40 दिन तक उनसे अलग रहना होगा। मैं घर से आ गई हूँ भैया। रूपा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी भैया। मैं बर्तन साफ करूंगी, कपड़े सीऊंगी, झाड़ू दूंगी। रूपा, अगर मुझे अपनी चमड़ी बेचकर तुम्हारी एक मुस्कुराहट खरीदनी पड़ती तो मैं कभी गुरेज न करता, मगर तुमने अपने जीवन पर धब्बा लगा लिया है। लड़कियां ससुराल से लड़कर मैके नहीं आया करती भैया। मैं वो हाथ तोड़ देता जो तुम पर उठे, अगर वो हाथ तुम्हारी सास के ना होते। बड़े भाई ने बाप की जगह कन्यादान की रस्म अदा की है, अब उस घर के आगे हमें हमेशा झुकना है। वो मेरा घर नहीं है भैया। वो तुम्हारा घर है रूपा। ससुराल में लड़कियों की डोली दाखिल होती है तो अर्थ ही निकलती है वहां से भैया। आज तुम मुझे जो सुना रही हो उसकी धुंधली सी तस्वीर मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम्हारी शादी से पहले मैं चाहता था कि तुम्हें आगाह कर दूं, लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में इस कदर खुशी नाच रही थी कि मेरी हिम्मत न हुई भैया। मैं आज तुम्हें फिर नसीहत करता हूँ, जाओ अपनी सास के पास जाओ। मुसीबतों से डर कर भागाना बुजदिली है, तुम्हें अपने प्यार और अपनी सेवा से उन सबको जीतना है। इसी में तुम्हारी इज्जत है और इसी में तुम्हारे भाइयों का मान है रूपा। जाओ जाओ।